अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 4। तो सेंटर से इसके डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कैसे आएगी, पहले इक्वेशन ये हो गई ऐसे, तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो माइनस सी अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस यानी 4। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 4√5। तो यही मेरा आंसर है बी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट विच आर पैरेलल, टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, तो जो भी टेंजेंट होगा पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन ये होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऐसे सी। सेम अब यही कॉन्सेप्ट लगा लिया, इसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 2, तो एक्स की जगह वाई की जगह 0 डाला तो सी अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सी क्या आ गया, सी आ गया प्लस माइनस 2√5। अब सी की वैल्यू यहाँ पे रख लो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ख़त्म। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये और ये क्या है, डायमीटर है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, यानी 5x+8y इज इक्वल टू 13 और 4x-y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y निकालो 4x-3 और यहाँ पर पुट कर लो, तो हो जाएगा 5x+8 4x-3 इज इक्वल टू 13, 5x+32x+24 इज इक्वल टू 13, तो ये हो गया 37x इज इक्वल टू 37। यहाँ से x मेरा 1 आ गया, ठीक है, तो x 1 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y मेरा क्या आ रहा है, y भी 1 आ गया, तो इसका मतलब मेरा सेंटर आ गया, सेंटर आ गया 1,1, ये मेरा सेंटर हो गया। और इस सर्कल में से आप सेंटर निकालेंगे तो सेंटर क्या आ रहा है, इसके हिसाब से सेंटर आ रहा है a²-7a+11 a²-6a+6। ठीक है, अब ये सेंटर है तो दोनों इक्वल हो गए, यानी 1 किसके इक्वल हो गया, a²-7a+11, और दूसरा 1 इक्वल हो गया a²-6a+6 के। ठीक है, तो ये हो गया a²-7a+10 इज इक्वल टू 0, तो मल्टी ट्रांसलेट कर लो 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ से a मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, और a मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गई, a²-6a+5 इज इक्वल टू 0, फिर से मल्टी ट्रांसलेट करो तो 5 और 1 आ गया, तो यहाँ से a मेरा आ गया 5 और a आ गया मेरा 1, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मेरा a इज इक्वल टू आ गया 5, एक तो आंसर ये आ गया मेरा। ठीक है, फिर b भी बताना मुझे, क्योंकि a 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो b के लिए अब इसका रेडियस निकालो, तो रेडियस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो रेडियस निकाला अंडर रूट g², तो g क्या है, 1 है और f भी मेरा 1 है, तो 1+1-c, c कितना है, c है b³+1, ये हो गया b³-1 > 0, तो स्क्वायरिंग कर लिया तो ये हो गया 2-b³-1 > 0, तो ये हो गया 1-b³ > 0, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला 1 बड़ा है बी क्यूब से, यानी b छोटा है 1 से, तो b बिलोंग्स टू -∞ से 1, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसलिए d करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम पैराबोला ले रहे हैं, तो किसी भी कॉनिक में
हमेशा ये अप्लाई होता है, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। पी एफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस, और पी एम क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों का जो रेशो होता है वो ई के इक्वल होता है। ई मतलब क्या है, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, इसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। एक बात, दूसरा फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू हमेशा ही वन होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एफ इज इक्वल टू पी एम हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये हम पहले भी कह चुके हैं कि जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक की, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसमें डेल्टा होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर डेल्टा की वैल्यू मेरी ज़ीरो होती है तो इट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर डेल्टा मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो केस वन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये पैराबोला होता है, ठीक है, और पैराबोला में ई हमेशा वन होता है। फिर अगर एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू नहीं, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए पी है तो ये एलिप्स है, और एलिप्स में ई मेरा हमेशा ज़ीरो और वन के बीच में होता है, ठीक है। फिर अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला में ई हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, और एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी है और ए प्लस बी मेरा दोनों का सम ज़ीरो है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, इनको याद कर लिया। इसमें भी ई मेरा हमेशा वन ही होता है, ग्रेटर देन वन। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसमें फोकस जो है माइनस वन माइनस टू है और डायरेक्ट्रिक्स मेरी है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप क्या करो, P कोई पॉइंट मान लिया मैंने x कॉमा वाई, तो पी एफ क्या होगा, P की फोकस से डिस्टेंस, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर y प्लस टू का होल स्क्वायर, और पी एम का क्या होगा, P की लेटेस्ट रेक्टम से डिस्टेंस,
एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट फाइव। तो इन दोनों को इक्वल कर लो, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो इक्वल किया और स्क्वायरिंग भी कर लो ताकि रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस टू वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन फाइव। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फोर एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एंड थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व वाई। ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव है तो फाइव को यहाँ लिया है, तो ये हो गया फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, फाइव टू जो टेन और एक्स वाली टर्म एक ही है, तो टेन माइनस सिक्स तो ये हो गया प्लस फोर एक्स, फिर ये हो गया ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व तो ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व हो गया थर्टी टू, थर्टी टू वाई, और एक ही हो गया प्लस फोर एक्स वाई। कॉन्स्टेंट्स देख लो, फाइव फाइव फोर प्लस वन फाइव, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस कर दो तो प्लस सिक्सटीन, तो यही मेरा आंसर आ गया। देखो ये हमारे पास ऐसे एक पैराबोला है, इसकी जो जनरल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है। तो पहला पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसका, ज़ीरो ज़ीरो, ये मेरा वर्टेक्स। ठीक है, और ये हो गया फोकस, फोकस है ए कॉमा ज़ीरो, दूसरा है फोकस विच इज़ ए कॉमा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से जितनी दूर फोकस होगा उतनी ही पीछे यहाँ पर मेरा ऐसे एक लाइन होगी, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होती है। ठीक है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, फिर ये लाइन है जो कहलाती है लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश, चौथा है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, तो इसकी लेंथ क्या होती है फोर ए, और क्योंकि ये फोकस से पास करती है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम की x इज इक्वल टू ए। फिर ये जो पॉइंट है l, l पॉइंट क्या होगा a कॉमा x की वैल्यू, यहाँ पर a डालेंगे तो y क्या आएगा मेरे पास 2a, और l डैश क्या है a कॉमा माइनस टू ए। सही है, और फिलहाल इतना ध्यान रख लिया। अच्छा, एक पॉइंट, एक पॉइंट और हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऐसी लाइन जो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस या फिर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर पैराबोला ऐसे है, ऐसे तो ये अपवर्ड्स ओपनिंग है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी ये है, तो पहला पॉइंट वर्टेक्स इसमें भी ज़ीरो ज़ीरो, फोकस जहाँ पर भी ओपन होगा उस तरफ ही फोकस होगा, ज़ीरो कॉमा ए, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं आएगी
डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई वाई इज इक्वल टू माइनस ए। चौथा लेटेस्ट रेक्टम सेम होगा फोर ए। पाँचवा इसके कोऑर्डिनेट्स ये एल है और ये एल डैश है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है। इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम की क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए। फोकस से पास कर रहा है तो फोकस इसका ए है, तो वाई कोऑर्डिनेट ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट टू ए होगा, ये एल हो गया। तो एल डैश क्या होगा, माइनस टू ए कॉमा ए, ये एल डैश हो गया। ठीक है, छठा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है वाई एक्सिस या फिर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सर ये क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा फॉर विच लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट ए पैराबोला। तो हमने क्या बोला, ये जनरल इक्वेशन है कॉनिक की, यानी ए लैम्डा हो गया। ठीक है, और तो टू एच हो गया मेरा फोर, एच मेरा क्या हो गया टू हो गया, और बी मेरा क्या है, बी मेरा वन है। तो पैराबोला के लिए एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए बी, यानी टू का स्क्वायर फोर इजिकल टू ए क्या है लैम्डा और बी क्या है वन। तो यही मेरा आंसर है। एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है फाइंड वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम फॉर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी वाई प्लस सिक्सटी सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप क्या करो, जो y वाली टर्म है उनको पहले एक साथ ले लो ऐसे, और x वाली टर्म को और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ ऐसे। अब इसमें 4 बाहर ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई हो गया, माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी सेवन। अब ब्रैकेट के अंदर आप लगाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर 5y, तो जो भी इसका कोफिशियंट है 5, 2 से डिवाइड करेंगे उसका होल स्क्वायर, 25 बाई 4 ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो ऐसे, माइनस 12x माइनस 67। अब ये सारा तो मेरा बन गया y माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 4, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 हो गया, 12x माइनस 67। इस 25 को वहाँ ले जाके प्लस हो जाएगा तो 67, और 25 को माइनस किया तो हो गया 2, 42 हो गया। तो ये हो गया 4y माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 42। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड पे भी x का कोफिशियंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो माइनस 12 कॉमन ले लो, रह गया x प्लस 42 अपॉन 12 ऐसे हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर है। फिर इसको काटेंगे 12 को 4 से तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेरी ये आ गई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स प्लस 7 अपॉन 2। अब इसको
आप कैपिटल वाई लिख लो या फिर कैपिटल वाई नहीं लिखो, तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इससे कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a तो मेरा क्या आ गया, माइनस 3 हो गया। और इस इक्वेशन के लिए जो वर्टेक्स होता है 0 0, इसका मतलब एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो है। तो एक्स की जगह पे यहाँ पर ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स निकाल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स, एंड वाई माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स क्या आया, माइनस 7/2, और यहाँ से वाई क्या आया, 5/2। तो वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस 7/2 कॉमा 5/2। फिर दूसरा पॉइंट देखो, फोकस। तो इसका फोकस क्या होता है, a कॉमा 0। तो a मेरा क्या है, माइनस 3/4, यानी माइनस 3/4 कॉमा 0। तो ये x है, ये y है, इसका मतलब फोकस के लिए x प्लस 7/2 को आप लिखो माइनस 3/4, और y माइनस 5/2। वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट ये है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको लिख दिया 0। तो यहाँ से वाई क्या आया, माइनस 3/4 माइनस 7/2। तो एलसीएम लिया तो जाएगा 4 और माइनस 3, और ये क्या हो गया, 14। तो माइनस 17/4, और यहाँ से वाई क्या आया, 5/2। फोकस क्या हो गया, माइनस 17/4 कॉमा 5/2। अब तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू माइनस a। तो a हमारा क्या आया था, a हमारा आया था, ये हमारा a है, यहाँ से निकला माइनस 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3/4, और x का मतलब मेरा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है, ये। तो मैं क्या लिखूँगा, x प्लस 7/2 इज इक्वल टू ए। ए मतलब क्या है, यहाँ पर माइन ये है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू डल गई, इज इक्वल टू 3/4। एक्स क्या निकला, 3/4 माइनस 7/2। फिर से एलसीएम, 3 माइनस 14 अपॉन 4, कितना आ गया, ये हो गया माइनस 11/4। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और फिर बोला है लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a। 4a की वैल्यू कितनी है मेरी, 4a की वैल्यू 4a की वैल्यू कितनी है, 4a की वैल्यू ये है, तो नेगेटिव तो कभी होगी नहीं, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यही 3, यही मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, खत्म।